We are still standing vulnerable and even at more risk because people are gradually starting to lose that fear factor. जो लोगों में पहले डर होना होता था वो धीरे धीरे से अब लोगों को लग रहा है कि हमारे यहाँ केस नहीं है, और तो जो लोगों का कोऑपरेशन है वो ग्रेजुअली मतलब थोड़ा सा कम हो रहा है, जो कि खतरनाक है, क्योंकि कॉम्प्लिसेंसी या मतलब वो वाली जो चीज है कि बेफिक्री इस बीमारी को इनवाइट करती है. वी स्टिल हैव वन पॉजिटिव केस इन आर डिस्ट्रिक्ट. वो नेटिव भले ही दूसरे जिले के हैं बट आज की तारीख में वो हमारे यहाँ पे हैं. तो ये सोचना कि हमारे यहाँ केस नहीं है ये मतलब सही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू. तो हम लोग अभी भी सतर्क रहना है बिल्कुल उसी तरह से. तो वो केस जब तक डिस्चार्ज होके वापस नहीं जाते हैं तब तक हमारे यहाँ तो एक पॉजिटिव केस एग्जिस्ट करता है, तो वही सोच के चलना है. ये अच्छा है, ग्रीनरी का तो अभी तो इंसान मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि ग्रीन हो गुड. तो आज की तारीख में हमारा तो वही सेम है जो थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोग अभी भी मतलब क्योंकि जब तक एक केस एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास में, हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि हालांकि उनको कंटेन किया हुआ था, उनके साथ में जो लोग थे उनको कंटेन किया था, और फॉर्चुनेटली अभी तक कोई दूसरा केस नहीं निकला है, परंतु क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके पास इंटरेक्शन तो होता है, लोग मतलब वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी है. सेकेंडली अभी अगर इतना मूवमेंट कराया गया काफी लार्ज स्केल पे, तो फिर हम वापस से जब बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं, बसेस भी इधर से उधर आ रही हैं, अभी शायद दूसरे स्टेट से भी अगर लाया जाएगा तो हम लोगों को फिर उस अकॉर्डिंगली वी हैव टू गियर अप फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वारंटीनिंग स्क्रीनिंग. तो जो स्क्रीनिंग फिगर्स और जिसमें एक स्टेगनेंसी आ गई है, एक स्थिरता आ गई है, वो अभी फिर से चेंज होगा लोग जब वापस आएंगे उनको बुलाने के बाद में. तो एग्जैक्टली क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे इसको ऑपरेट करने के कुछ दिन के बाद, ये हम लोग भी वेट कर रहे हैं. गवर्नमेंट जो है फीडबैक ले रहा है सभी जिलों से, वी आर टॉकिंग टू देम, हमसे भी ले रहे हैं, एसएमसीएस से भी ले रहे हैं और जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से भी ले रहे हैं, और ओवरऑल स्टेट के लिए जो पॉलिसीज बनेंगे अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे. तो इन टुडे डे हाँ बोल सकते हैं, वी आर नॉट इन ग्रीन जोन. अब उसके अलावा जो भी जोन है दैट इज नॉट द सेफ जोन एंड दैट इज इट, कलर कुछ भी हो बिलीव. अब तक कासार जगह से कितना लोग बाहर गया है, बाद दूसरा जगह से यहाँ पर आया है? हम लोगों का कल रात तक, क्योंकि आज तो कोई बस अभी नहीं गया, शाम को ही जाएगा, कल रात तक हमारे यहाँ से टोटल 1200 लोग एएसटीसी का बस सर्विस को यूज करके 1200 लोग गया है यस्टरडे. टिल यस्टरडे, आज का तो अभी शुरू होगा, आज तो बसेस स्टार्ट नहीं किया. कहाँ थे यूज? आज वेरियस कल तो सौ कामरूप मेट्रो एलाकांडी धुबरी नगांव सलमारा कोकराजार रजाई वेस्ट कार्बी आंगलोंग दरांग बरपेटा ग्वालपारा गोलाघाट बचा था जो आज जाएगा, शिवसागर जोरहाट तिनसुकिया डिब्रूगढ़ वो लोग आज जाएंगे. सर ऐसे गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन ये था कि मैक्सिमम पीपल प्रेफरेबली दी स्ट्रैंडेड लेबर्स शुड बी सेंट बैक टू देयर होम्स. मेघालय में कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे पास में आते हैं, वी अलाउ देम, वी गिव देम अ ट्रांजिट पास, उनको हम ISBT कॉल करते हैं, उनके सारे लेबर्स का स्क्रीनिंग करते हैं, उसका डेटाबेस एक रेडी करते हैं और फिर उसको ट्रांजिट पास देके हम लोग अलाउ करें. सेकेंडली ASTC का अगर बस नहीं होता है और अरेंज करना होता है तो DTO को मतलब सेंट्रली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप लोग इसको एक बस हायर करके उसको ऑन ड्यूटी बना करके भेज दीजिए, तो उस तरह से हम लोग अरेंज करके तो दे रहे हैं. और मेघालय का जैसे है, मेघालय सपोर्ट किया है काफी, कुछ कुछ कभी कभी रात को मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं अगर, या कोई ड्यूटी चेंज होता है तो उसकी वजह से होता है, बाकी मोटा मोटी लोग जा ही रहे हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है. आप बोलिए. परसों तक हमारे पास में मतलब आने का संख्या उतना ज्यादा नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग. ASTC बसेस से आप ये मान लीजिए कि लगभग अभी 300 जैसा लोग रिटर्न हुआ है,
नॉट मोर देन दैट टिल टुडे. तो आज का तो अभी इवनिंग में हम लोग कंसोलिडेट करेंगे मोस्टली क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस फिगर्स लॉन्ग डिस्टेंस आ रहे हैं और सिलचर के लोग इधर में ही हैं. जो हमारी लेबर है वो आसपास में ही कंज्यूम हुई करीमगंज में हैलाकांडी में है या हमारे यहाँ के खुद की इंडस्ट्रीज में है. तो वो उस तरफ में उतना लोग नहीं है. काफी सारे लोग हैं जो गुवाहाटी से अपना पेरेंट्स को या किसी को लेके आने का वो कर रहे हैं. तो उस तरह का भी हम लोग मतलब डेटाबेस हम लोगों ने बनाया है कि ऐसा कितना हम लोग पासिस दिए हैं. तो आप ये मान लीजिए कि इस पूरा अभी तक के ऑपरेशन के अंदर लगभग लगभग अराउंड 3500 टू 4000 पीपल मूव हो चुके हैं इन एंड आउट. 21,000 के ऊपर हो गया है. स्टेट कर रहा है. आप कुछ बोल रहे थे यार आपका आधार 21,000 जो बाहर से आ रहे हैं कछार के लोग हैं जिन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल करके रजिस्टर किया है. दे सॉट फॉर हेल्प वापस आना चाहते हैं कि नहीं वो अभी फिगर हमको नहीं. अभी वो लोग फोन किया इनको पूछा कि अच्छा यहाँ पे कौन रहता है. तो वो बोले कि मेरे पिताजी रहते हैं. तो हम अब उनके पिताजी के पास जा रहे हैं उनका घर बार देख रहे हैं क्या जैसे वो जब बाहर है उनसे ये भी पूछा कि आपके साथ कौन कौन वहाँ पे भी है. तो बोलेगा मेरा पत्नी है मेरा इतना बच्चा है. तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्योंकि हर इंडिविजुअल मतलब के हिसाब से पैसा सपोर्ट गवर्नमेंट दे रहा है. तो वो जो कितना आदमी है वो इसमें चेक करना पड़ेगा ना. तो इसलिए उनके घर पे जाके एक बार चेक किया जा रहा है कि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है कि गलत. क्योंकि टेलीफोन पे देते वक्त आदमी भूल से गलत सुन के खराब सुन के भी कुछ मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग उनके घरों तक जा रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं अपलोड कर रहे हैं फिगर्स और ऐसे हो रहा है. दुकान क्या क्या रिलैक्सेशन खुलने का कितना रिलैक्सेशन का बारे में क्या का माने दुकान अभी तक कोई दुकान खुला नहीं है. कोई प्लान है क्या कौन कौन दुकान खुलना है. रिलैक्सेशन का हम लोगों ने सर्कल ऑफिसर से लिस्ट लिया है दुकानें जो रूरल एरियाज में खुलेगा. अर्बन एरिया की दुकानों के लिए बहुत क्लियर गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का कि कोई भी अर्बन एरिया का दुकान अभी नहीं खोलना है जब तक 3 तारीख को नया गाइडलाइन मिला. रूरल एरिया का जो इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों को भी मिला है. तो उसके हिसाब से फिर भी हम लोग मतलब एकदम फ्री हैंड नहीं दिए हैं. हम सर्कल ऑफिसर्स के थ्रू हम लोगों ने लिस्ट लिया है कौन कौन सा दुकान खुलना है. आजकल में उस पर फाइनल डिसीजन लेके ऑर्डर निकाल देंगे. अर्बन एरिया में वो जो ऑर्डर था कि स्टैंड अलोन दुकान होता है जो कोई कॉम्प्लेक्स में मॉल में नहीं ऐसे ही अपना अलग से है वो दुकान खुलेगा. वो ऑर्डर सिर्फ रूरल एरिया के लिए है. अर्बन एरिया के लिए अभी 3 तारीख को गाइडलाइन देंगे ऐसा. तो अर्बन एरिया में जो अभी रूरल एरिया में जो इंस्ट्रक्शन आया था उसमें तो आप हार्डवेयर का दुकान कपड़े का जूते का वो है. अभी तो अर्बन एरिया में वो नहीं खुला है ना. तो वो ऑर्डर का एप्लीकेबिलिटी अर्बन एरिया में 3 तारीख के बाद में सरकार नए निर्देश देगी उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है. अभी हमको क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में. कुछ आया था हम लोग देख रहे हैं उसको भी फॉलोअप कर रहे हैं. तो लोगों ने घुंघुर थाने के एरिया में बताया सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास जो होता है. तो उसको भी चेक किया उसको भी किया. अपना म्यूनिसिपैलिटी के सामने में भी कुछ बाजार जैसा लग रहा था तो आज उस पर भी कंप्लेन आया तो उस पर भी एक्ट किया. तो वो पोर्टल थोड़ा थोड़ा करके अभी एक्टिवेट हम लोग उस तरफ जा रहे हैं एक बार ये चीज खत्म होने से. मतलब वो बोलने लायक मतलब उसको उतना फॉलो अप एडमिनिस्ट्रेशन अभी उसको उतना नहीं कर रहा है क्योंकि मेन प्रायोरिटी ये हो गया कि इसको निकाल दें या लोग एक बार घर पहुंच जाए उसके बाद उसको करते हैं.